हे गाइज, वेलकम टू टेक्निकल सिक्स। होप कि गाइज सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, अगर आपके चैनल पे जो है 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है और 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके हैं, और उसके बाद आपने जो है चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है, और उसके बाद आपको वहाँ पे 3 स्टेप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका जो है कम्प्लीट हो चुका है, सेकेंड जो स्टेप है उसमें आपको जो है इन प्रोग्रेस अभी लिखा हुआ आ रहा था। तो इतने में जो है यूट्यूब की तरफ से आपको एक ईमेल आती है जिसमें लिखा होता है कि यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट। तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, तो गाइज आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस जो आपके अभी मेल आई है इसके बाद आपको जो है टोटल कितना टाइम और लगेगा, जिसके बाद आपको जो है चैनल पूरी तरीके से मोनेटाइज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता हो कि YouTube पे जो है आपको चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 4000 घंटों का वॉच टाइम चाहिए होता है और 1K सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, जो कि मेरे कंप्लीट हो गए थे 16 फेब को। और 17 फेब को मेरे पास अप्लाई नाउ का मतलब ऑप्शन था, वो अनेबल हो चुका था। तो मैंने 17 को जो है अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई किया। तो वहाँ पर उसके बाद मेरे को जो है 3 स्टेप्स देखने को मिले। तो फर्स्ट स्टेप था वो तो बिल्कुल सिंपल था, उसके बाद वो सेकेंड स्टेप था वो इन प्रोग्रेस में था, और सेकेंड स्टेप था जो कि मेरे को अपने जो यूट्यूब का चैनल था उसको लिंक करना था एडसेंस अकाउंट के साथ। उसमें जो है मेरे को काफ़ी टाइम लगा, और वो टाइम इसलिए लगा क्योंकि मेरे पास जो एक मेल आई थी यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने 17 को अप्लाई किया, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 को मैंने ये वाला अकाउंट था, जो इस अकाउंट को अपने यूट्यूब अकाउंट के साथ लिंक करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं मैंने ये वाला अकाउंट था वहाँ पे एंटर किया। तो इसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास मेल आई कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास 2-3 दिन के बाद 20 फेब को एक और मेल आई जिसमें मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ था यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट। और अभी इसमें जो ये एडसेंस अकाउंट था ये जो कि है मैं आज से मतलब 6-7 साल पहले मतलब इसको यूज़ करता था। तो उसके बाद जो है मैंने इसको यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि उस टाइम में मेरा एक यूट्यूब का चैनल था जिसमें मतलब कुछ ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आया था, तो मैंने मतलब उसको बंद कर दिया। लेकिन उससे अर्निंग हुई थी, तो वो अर्निंग थी $1.67 के आसपास। वो अकाउंट था मेरा अभी तक एक्टिव था। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेल में मेरे को ये लिखा, या तो आप उस एडसेंस को यूज़ करो या उसको एडसेंस अकाउंट था जोन सा उसको कैंसिल करो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन थे मेरे पास, तो मैंने सिंपली जो है अपना जो पुराने वाला एडसेंस अकाउंट था वो कैंसिल कर दिया था। तो उस पर एक मेल आती है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने उसको कैंसिल कैसे किया था। तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पर अपना ओपन कर लेता हूँ। इसको जो है मैंने डेस्कटॉप वर्जन पर ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे 3 लाइंस। इस पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन है, आपने इस पर टाइप कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज अकाउंट का ऑप्शन था, आपने इस पर जो है सिंपली इस पर टाइप करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको आई अंडरस्टैंड पे टाइप करना है। और उसके बाद आपने कुछ और नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर जो है चेक मार्क लगाने के बाद आपको जो है कंटिन्यू पर टाइप कर देना है। कंटिन्यू पर टाइप करने के बाद आपको जो है जो भी आपने जिस भी अकाउंट का आपने मतलब कैंसिल करना है एडसेंस अकाउंट, उस पर एक मेल जाएगी। वो मेल क्या थी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे ये वाला तो एडसेंस अकाउंट है मेरा भी लिंक हो चुका है, तो ये वाला एडसेंस अकाउंट है जो मैंने कैंसिल करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 फेब को मैंने रिक्वेस्ट की थी कैंसिलेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लिंक आया था, आपको जो है सिंपली इस लिंक पे टैप करना होता है, और इस लिंक पे जैसे ही आप टैप करोगे तो आपका एडसेंस अकाउंट था वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कैंसिल हो जाता है, मतलब मैक्सिमम टाइम है 24 घंटे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी दिन मतलब 25 को यहाँ पर एक और मेल आई मेरे पास, योर अकाउंट वॉज कैंसल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी मतलब अमाउंट था जो $10 है उससे जितनी भी कम की अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होएगी, जो भी उससे ज़्यादा की अमाउंट है अगर वो है तो वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होएगी। तो यहाँ पे आप देखते हैं 20 को ही मेरा एडसेंस अकाउंट जो है वो कैंसिल हो चुका था। और इसके बाद जो मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट था जो कि मैंने ये वाला अकाउंट है ये लिंक करना था, तो ये इन प्रोग्रेस में ही शो कर रहा था अभी तक। तो इसको जो है प्रोग्रेस में शो करते करते मतलब 2 दिन और लग गए, 2 दिन का टाइम और लगा। तो 2 दिन के बाद मेरे को 2 दिन का टाइम और लगा, और उसके बाद जो है वहाँ पे मेरा अकाउंट था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया था, जो कि मैंने नई वाली आईडी का बनाया था।
तो नई वाली आईडी के बनाने के बाद दो दोनों अकाउंट थे मेरे, मतलब एक दूसरे का लिंक हो गया था, यूट्यूब का अकाउंट और मेरे एडसेंस का अकाउंट जो है मेरा लिंक हो चुका था। और लिंक होने के बाद जो मेरा थर्ड स्टेप था मतलब चैनल को रिव्यू करने के लिए, वहाँ पे मेरा चैनल था, वो थर्ड स्टेप जो है वो इन प्रोग्रेस में हो गया था, और फर्स्ट और सेकेंड स्टेप जो है वो दोनों डन हो चुके थे। तो उसके बाद जो जो तो थर्ड स्टेप था उसमें मेरे को टाइम लगा, लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लग गया, क्योंकि 22 को मेरा चैनल था वो लिंक हो चुका था। 22 के बाद 25th को मैंने अपना चैनल को दोबारा से ओपन ओपन करके देखा, मतलब मैं रोज़ ही ओपन करके देखता था, दिन में 10 बार मैं ओपन करके देख लेता था कि अनेबल हुआ कुछ, मतलब चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने उस दिन मतलब 25th को मैंने शाम को 4 बजे के आसपास अपना चैनल को खोल के देखा, तो वहाँ पे जो है मेरे पास जो चेंज मतलब जो भी आ रहा था 3 स्टेप्स थे वो नहीं आ रहे थे, उसके जगह कुछ और आ रहा था। तो मतलब वहाँ पे सिर्फ सिंपली जो है मेरे को अप्लाई करना था कि एड्स मैंने अपने सारी वीडियोज़ पर लगाने या नहीं लगाने। तो सिर्फ एक मतलब एक क्लिक करने से मेरे जो चैनल था, सारी की सारी जितनी भी वीडियोज़ थी उनमें जो है सब पे ही चैनल पर ऐड लग गई थी, मतलब सारी की सारी वीडियोज़ पर ऐड लग गई थी, और मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो गाइज़ मतलब अगर आपके पास भी कुछ ऐसा ऑप्शन आता है कि यू ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग मतलब एडसेंस अकाउंट, तो इसमें आपको जो है फिर दो ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपको आपके पास ये वाला अकाउंट है या है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा, मतलब कैंसिल करना पड़ेगा। और कैंसिल करने के बाद आपका जो है जो भी आपने नया अकाउंट डाला होगा उस पर एक आईडी क्रिएट होगी आपकी। आईडी क्रिएट होने के बाद आपका जो चैनल है वो उसके साथ लिंक होएगा। लिंक होने के बाद आपका जो है चैनल अच्छी तरह से लिंक होने के बाद आपका जो है थर्ड स्टेप में आपका जो चैनल है वो आ जाएगा रिव्यू के लिए। और उसके बाद आपको रिव्यू में मतलब थोड़ा सा 2 दिन तक का टाइम लग जाता है। 2 दिन के बाद आपको मतलब आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन अगर उन्होंने करना होगा तो वो कर लेंगे, अगर नहीं करना तो वो नहीं होएगा। मतलब मेरे को जो टोटल टाइम लगा वो यहाँ पे लगे 9 दिन, क्योंकि मैंने 17 को अप्लाई किया था, तो 17 के बाद 25th को मेरा चैनल जो है वो कम्प्लीटली मोनेटाइज हो गया था। तो मतलब 9 दिन नहीं 8 दिन लगे होंगे, 8 या 9 दिन। मतलब मैंने 17 को सुबह अप्लाई किया था और 25th को मेरे को चैनल मेरा शाम को मोनेटाइज हो गया था 4-5 बजे के आसपास। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि ये वाली वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। और गाइज़ अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और आने वाली वीडियोज़ को देखने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने, थैंक यू सो मच।